पकड़ लिया तुमको, तुमको क्या लगा मुझे पकड़ नहीं पाए? अरे रुको, हेलो हेलो करिश्मा सिंह, क्या हुआ? अरे रुको, करिश्मा सिंह हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, चोरी करने का कही के करिश्मा सिंह रुकिए, मारने से पहले देख लीजिए किसे मार रही हैं। पिंकी का पति है वो। तुम कहाँ से आए बे? मैडम मैं आपको इतनी देर से रुको 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 बोल रहा हूँ। और अपने घर में कौन चोरों की तरह आता है? तुम हम तो चोरी समझेंगे ना मैडम से। मैडम आपको पता नहीं है कि मेरी बीवी कितनी स्ट्रिक्ट है, उसे घर में लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए छुपते छुपाते खिड़की के रास्ते घर में आ रहा था, लेकिन आपने जो बिना सोचे समझे मुझे जो धोया। एक मिनट करिश्मा सिंह, अगर चोर यहाँ नहीं आया तो कहाँ है? मैडम सर शीना और पिंकी तो थाने में है, तो कई चोर चलिए लेट्स गो। लेट्स गो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा थाने में? काम के वक्त कोई काम नहीं आता। करिश्मा जी प्लीज संभाल के। पुष्पा जी आप थाने में हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं मैडम सर, हम तो घर पर हैं। और आपने हमें मोबाइल पे कॉल किया है। अगर आप चाहें तो हम फटाफट 20 मिनट में तैयार होकर आ जाते हैं थाने। नहीं नहीं आप घर पे आराम करिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सुनिए तो थाने। कैसे हुई चोरी? हमने पूछा कैसे हुई चोरी? वो मैडम सर हुआ ये कि मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। ये रख दिया। परफेक्ट। वो हाथ पीछे लाओ ऐसे। यहाँ ये ऐसे ऐसे पोजीशन। ऐसे हाँ लाया। इसको पूरा स्ट्रेच करो। मेरी कमर फंस गए, फंस गए, निकल भाई निकल, फंस गए। मेरा हाथ किधर किधर? तुम्हारा हमारे सामान के साथ खिलवाड़ काहे कर रहे हो तुम? तुम्हारा सामान कब से हो गया? सामान कब से? अरे यार रुको, आराम से आराम, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। इतना बड़ा धोखा, इतनी स्मार्टली वो लड़का चोरी करके चला गया। उसने जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाया। मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। जेल के अंदर गया, उसको हवालात में डाल, कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगे। हमारे जाने का इंतजार किया और फिर अपना काम करके निकल लिया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, थाने में चोरी। सॉरी मैडम सर, आप स्मार्ट हो पर मेरे जितनी नहीं। टीनेज लड़का हमारे थाने आया, हमको बेवकूफ बनाया, हमारे नाक के नीचे से चोरी करके चला गया और हमको पता तक नहीं चला, बताओ। आप लोग मौका निकालो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? तुम दोनों क्या टोपागिरी कर रहे थे उसका का? वो मैडम वो बिल्लू अटका हुआ था क्या? अभी भी अटका हुआ ही है वैसे। देखिए ना गांठ पड़ा हुआ अभी भी उसमें। अरे तीते छुड़ाया, 3 घंटे हो गए इसी अवस्था में हूँ, पता नहीं इसी अवस्था में अस्त हो जाऊंगा। अरे चुप रहो ना, आ रहे हैं ना तुम्हारे चक्कर में। अगर हम वहां होते ना तो कभी ऐसा नहीं होने देते, हमारे रहते मजा ले जो हवा भी इधर से उधर हो जाए थाने की। पुष्पा जी हाँ, उनको पूछे तड़केदार राजमा चावल बनाए उन्होंने अभी तक? पुष्पा जी राजमा काट दी। हाँ अरे जो भी हो, पर मैडम जी आपका प्लान तो फेल हो गया ना, आप चोर पकड़ने वाले थे, यहाँ तो चोर थाने में आके चोरी करके चला गया, ऊपर से हमारा कीमती वक्त बर्बाद हुआ वो अलग। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कौन सा कीमती टाइम? अरे कीमती टाइम तो मेरा बर्बाद हुआ है,
चार पांच घंटे से मैंने एक भी फोटो अभी तक अपने फैंस स्टार पे डाला ही नहीं है। मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस कितने निराश हो रहे होंगे, उदास होके बैठे होंगे। जस्ट इमेजिन। अरे 10-12 फॉलोअर्स को फैंस नहीं कहते, अरे गलती कहते जो कुछ लोगों से हो गया है। ओ गॉड, लुक एट दिस इरिटेटिंग फीमेल, ऑलवेज पुअर विद नंबर्स। मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, इट्स माइन, मेरा, मेरा। चुप, निकलो, निकलो, आप घर जाइए यहाँ से, चलिए। अरे मैडम, पर हमारा नेकलेस। हाँ, फैंस स्टार पे देख लीजिएगा आपका नेकलेस। जाइए अभी यहाँ से, जाइए आंटी, प्लीज, प्लीज जाइए, प्लीज भाभी, प्लीज भाभी, बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज तुम्हारी वजह से देख लेंगे तुमको। पूरा रात निकल गया संतु, कुछ मिलेगा हमको? हाँ हाँ मिलेगा ना, मैं बदनाम को बोल के चाय मंगवाती हूँ, फ्रेश फील करेंगे। बदनाम सुनो ना संतु, सुनो, चोर के बारे में कुछ मिलेगा हमको? ओह सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। आप ये देखिए मैडम, आधे से ज्यादा फॉलोअर्स नकली है यहाँ। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए फेक फॉलोअर्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सॉरी, पैसे फेंकते हैं, फॉलोअर्स खरीदते हैं। जय हिंद सर। कितने शर्म की बात है मिस मलिक, एक चोर आता है आपके थाने में, घुसता है, चोरी करता है, चोरी करके चला जाता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका दिया है। अरे ये हुआ भी किस थाने में, जिस थाने में दो दो SHO तैनात हो। माफ कीजिए सर, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में ये सब हुआ, कोई भी धोखा खा सकता था। वो चोर महज 18-19 साल का एक टीनेज लड़का है, जो किसी भी एंगल से चोर नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम पर्सनली इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने में। मालिक, जितना वक्त दिया था हो गया, और अभी केस साइबर सेल को चला जाना चाहिए। जय हिंद। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। उस चोर का मैं ऐसे बारीक 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 खुलिया बताऊंगा कि आप तो, मतलब आप तो एकदम प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है। अरे पांचवी कक्षा का बच्चा भी यू फटाक से फोटो बना लेगा, तो आप रेडी है ना? उसकी तो आंखें थी। हाँ नहीं, वो मुझे लगा चोर है ना, तो 3-4 आंखें होंगी, चारों तरफ देखना होता है। इग्नोर इग्नोर, आगे बढ़ते। तो उनकी आंखें जो है वो छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, ऐसी गोल गोल थी। बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, बी स्पेसिफिक। वो जो वैसे देखता था ना तो एकदम बड़ी बड़ी, और ऐसे स्माइल करके देखता था ना तो ऐसे छोटी छोटी। और रंग? रंग हल्का गोरा। और एकदम जबरदस्त हैंडसम, चोरों का धूम चोर, ऋतिक रोशन। समझ लीजिए मेरे जैसा। मेरे जैसा क्या, मैं ही समझ लीजिए। आगे? आगे से इतना ही हैंडसम? अरे मेरा मतलब है हाइट कितनी थी। अच्छा आगे से हाइट मेरी जितनी पकड़ लीजिए। बन गया? हाँ बन गया। हाँ दिखाओ। वाव वेरी फास्ट। ये चोर का स्केच है? हाँ? ये क्या बनाया? हल्का गोरा बोला था। गोरा नहीं, लाल कर देंगे तुम्हारा चट्टान। अब इस पे माला चढ़ जाए ना, उससे पहले तुम कट लो। और तुम, अब हम जो हुलिया बता रहे हैं ना, वो बना। जी हाँ जी, बताइए। आंखें भूरी। हाँ जी। गोल चेहरा। Oh guys, yes, yes, Vikram, come on,
विक्रम, यस। जी हाँ, मैं SHO करिश्मा सिंह और ये हैं SHO हसीना मलिक जी, महिला थाना लखनऊ। आपने हमें यहाँ पर बुलाया था। जी हाँ जी, मिस्टर शुक्ला से मिलना है। आई एम सॉरी, वो ओ नहीं रहे। नहीं नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया, अब उनकी जगह हम हैं। बंदे को विक्रम कहते हैं। जहां तक मुझे लगता है, आप उस साइबर क्राइम केस के सिलसिले में मदद लेने आई थी, राइट? जी, यू आर राइट। डीएसपी साहब के ऑर्डर्स हैं कि हम मिलकर इस केस को सॉल्व करें। इनफैक्ट हमें भी ऐसा लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और हम मिलेंगे तो ये केस जल्दी और ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व होगा। ऑर्डर साथ में काम करने का नहीं, बल्कि ये केस अब साइबर सेल को दे दिया है मैडम। विक्रम, यस, कम ऑन, शेयर विक्रम, कम ऑन। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन हमारी आपसे ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये मामला हमारे थाने से रिलेटेड है, इसलिए हम भी ये केस सॉल्व करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी परमिशन हो तो, बाकी डीएसपी साहब से हम बात कर लेंगे। देखिए, आप जानते ही हैं कि एक लड़का अपनी मासूम चेहरा और अपनी उम्र का फायदा उठाकर हमारे थाने में घुसकर, थाने में चोरी कर थाने को दागदार करके चला गया, और उस चोर को पकड़ने के लिए ना हम कुछ भी करेंगे। तो आप कुछ भी करेंगे? कुछ भी। तो ठीक है, आइए खेलते हैं क्रिकेट। हम आपको 6 बॉल डालेंगे और अगर आपने एक बॉल पे भी सिक्सर मारा तो हम आपकी बात मान लेंगे। एक बॉल तो क्या, 6 की 6 बॉल मारेंगे, और अगर ऐसा हुआ ना तो आपको हमारा साथ देना होगा। मैडम, क्रिकेट बोला है, क्रिकेट क्रिकेट बॉलिंग बैटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आप नहीं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है मैडम। अब तो बोल दिया हमने, अब आप बताइए कि आपको मंजूर है। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाया तो हम ये केस आपको हैंडओवर कर देंगे। लगता है बहुत भरोसा है आपको खुद पर, करिश्मा सिंह पर। वो जो कहती हैं करके दिखाती हैं। हाँ, और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा मैडम अपने वादे की कितनी पक्की है। SHO करिश्मा मैडम अपने वादे की कितनी पक्की है। लेकिन इस सब के बाद आप और हम मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए तो शुरू करते। ऑल द बेस्ट करिश्मा मैडम। करिश्मा सिंह, आप जानती हैं कि ये केस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी, हमारी और स्थानीय की रेपुटेशन का सवाल है, और आपने हमारी किस्मत का फैसला 6 बॉल्स पर छोड़ा है। मैडम सर, हमें खुद पर बहुत भरोसा है, ये केस तो हम इन साइबर छछुंदरों से लेकर ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट। राजीव, इसे रिकॉर्ड करना, DSP को भेजेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि महिला पुलिस थाने वाले चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए तो अपनी किस्मत क्रिकेट में आजमाने चले। पर अफसोस, यहाँ पर भी इनको कुछ मिलेगा नहीं, और इनका हार वाला वीडियो पूरा देश देखेगा। Cheers. Come on, Vikram, come on!
वाह मैडम वाह वाह, बॉल 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 गया, मैच खत्म मैच खत्म, हम जीत गए। संतू जी बॉल लेकर आ गए और 6 रन था वो छक्का था। ये लगा पांचवा छक्का, ये मैडम मैडम बस अब एक बॉल है, हम लोग जीत ही गए हैं। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। एक मिनट जस्ट अ सेकंड, लास्ट बॉल हसीना मैडम खेलेगी। उफ मासूमियत संतू जी। जी मैडम सर, करिश्मा सिंह वो स्लो बॉल डालने वाला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैप्टन रह चुके हैं, उसकी ग्रिप और रनअप से बता सकते हैं कि वो स्लो बॉल ही डालेगा। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, 5 बॉल खेल लिए ये भी खेल ही लेंगे। बड़ा भयानक वाला स्ट्रेटजी लग रहा है। वक्त आ गया मर्दों को बताने का कि ये खेल सिर्फ उनका नहीं। Come on Vikram, cheer up, come on, Hogan, yes, yes, Vikram, Vikram, come on, Vikram, yes, come on, cheer up Vikram. ये नो बॉल है। जो वीडियो बना रहे हैं वो चेक करके देखिए। बढ़िया, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन। बच गए, वाह मैडम का आंख नहीं कैमरा है। थैंक यू हसीना मैडम। बहुत अच्छा खेलिया। थैंक यू मैडम सर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। आशा करते हैं कि अब आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। मानना पड़ेगा आपको,
बहुत बढ़िया खेली आप, ठीक है खेल के काम करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सुबह सुबह हमारी लाडली बहू रानी ने कोई बॉम्ब फोड़ दिया क्या? अरे नहीं पुष्पा जी, आज साइबर डिपार्टमेंट को क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया तो केस सॉल्व करने के लिए और 24 घंटे मिल गए। तो मैडम सर ने सबके लिए चाय मंगाई, लेकिन बदनाम ने इतनी गंदी चाय बनाकर भेजी ना, ना उसमें अदरक था और शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम ही बेकार चाय बनाकर भेजी। ये नालायक बदनाम भी ना, बस एक बार हमें ड्यूटी वापस ज्वाइन करने दे फिर देखना, ऐसी कड़क कड़क बढ़िया सी चाय बनवा के लेंगे बदनाम से। खैर छोड़ो, ये बताओ वहाँ क्या चल रहा है थाने में? पुष्पा जी आपको एक बात बताना भूल गए, आपकी डेस्क पर जो पंखा है ना वो खराब हो गया है। हाँ, और पंखा ना चलने के कारण ऊपर मकड़ी का जाला भी बन गया है। हाँ, ये अलमारी के पीछे वाली मकड़ी होगी, जरूर हमें वहाँ ढूंढने आई होगी कि कहाँ गई हमारी प्यारी पुष्पा जी। देखो संतु देखो, मकड़ी तक याद करे हमें थाने में। यहाँ किसी को और कोई काम धंधा है या पूरा दिन महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बताता रहे पुष्पा जी को? फोन पर भी डराती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आपको कैसे पता चला पुष्पा जी फोन? पिछले जन्म का कनेक्शन है हमारा पुष्पा जी से, जहाँ पे भी होती है ना हमको खबर पड़ जाता है। और तुम हमको एक बात बताओ, इस सरकारी टेबल पे बैठ के तुम्हारा क्या टाइम पास चल रहा है? ये कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास संतु। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी टीम का हर मेंबर अपने काम को लेकर कितना संजीदा है। टेम्परेरी ही सही, अब आप यहाँ की नई SHO हैं। अपनी टीम को साथ लेकर चलना सीखिए, और उसके लिए उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ करना होता है। जी मैडम सर, आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। फिलहाल हमें 24 घंटे का वक्त मिला है साइबर सेल वालों से, 24 घंटा के अंदर अंदर अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो ये केस तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, साथ में वर्दी पर जिंदगी भर का दाग लग जाएगा कि एक टीनेज लड़का था वो हमारे थाने में आया, चोरी करके चला गया और हम उसको पकड़ नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इनफैक्ट अब हमें उस तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे पास आएगा। वो कैसे मैडम सर? संतोष शर्मा, हमने जो चीजें मंगवाई थी वो आ गई। रेडी है मैडम सर। गुड, तैयार हो जाइए फैंस्टा का नया स्टार बनने के लिए।